शुक्रवार को घंटाघर स्थित जामा मस्जिद पर शांतिपूर्ण माहौल में जुमे की नमाज अदा की गई, जिसके संबंध में शहर काजी के सुपुत्र एवं समाज सेवी मोहम्मद कलीम फारूकी ने बताया कि 10 जुलाई दिन रविवार को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। बकरीद के दिन मुस्लिम समुदाय के सारे लोग नहा धोकर खुशबू लगाकर मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। बकरीद के पर्व में मुसलमान बकरों की कुर्बानी देते हैं। इस त्यौहार में जिनके पास 7 तोला सोना और 52 तोला चांदी महतार है और जिनका साल गुजर चुका है, उनके ऊपर कुर्बानी करने का फर्ज है। मुसलमान के ऊपर कर्ज होता है जो कुर्बानी नहीं कर सकते। कुर्बानी के लिए जानवर खूबसूरत होना चाहिए, लंगड़ा लूला या उसके शरीर पर किसी प्रकार का चोट और ऐब नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को सभी मुस्लिम समाज अपने अपने घरों में बकरों की कुर्बानियां देंगे और लोगों को मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे से गले मिलेंगे और सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर खुशियां मनाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहर काजी के सुपुत्र एवं समाज सेवी मोहम्मद कलीम फारूकी ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद कलीम फारूकी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मुफ्ती मौलाना वलीउल्लाह शहर काजी का मैं सपुत्र हूँ। आज जो है हफ्ते के जो एक ईद कही जाती है, इसे जुमा का दिन कहा जाता है। इस दिन सारे लोग अपना नहा धोकर खुशबू लगाकर मस्जिदों में जाकर जुमे की नमाज अदा करते हैं। इसको एक तरीके से छोटी ईद भी कही गई है। और शव्वाल के महीने के बाद ज़िलहिज्जा का महीना आता है, जिसे बकरीद का महीना भी कहा गया है आम ज़बान में। इस महीने में आम तौर से मुसलमान जो है जानवर की कुर्बानी देते हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हिजरत में इनको जो है फ़र्ज़ किया गया है और सभी मुसलमान को इस पर फ़र्ज़ है। जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी की मकदार है और साल गुजर चुका है, उनके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है। कुर्बानी किस पे करनी है, किनको नहीं करनी है, जिनके ऊपर कर्ज में डूबे हुए हैं वो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास सकत है तो आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी के लिए आपके पास जानवर खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, यानी लंगड़ा लूला इस तरह का जानवर पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। जानवर चोट खाया हुआ भी कुर्बानी पर फ़र्ज़ नहीं है। भैंस में 7 हिस्से होते हैं, बकरे में 1 हिस्सा होता है। इस तरह से कुर्बानी की जाती है और ये हमारी ईद की नमाज़ ईद-उज़ुहा की नमाज़ ईदगाह में और जामा मस्जिद और तमाम दीगर मस्जिदों में अदा की जाएगी। इसके बाद हम सभी हजरात अपने अपने घरों में कुर्बानियाँ देंगे और लोगों को मिठाइयाँ खिलाएंगे और एक दूसरे को गले में मिलेंगे। और ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक पहचान रही है कि मिलकर हम खुशियाँ मनाते हैं। मनाओ जश्न चिरागा मगर ख्याल रहे, तेरे चिराग की लौ से किसी का घर न जले।